स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल स्टोर यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम सपोर्ट रिएक्शंस के ऊपर एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा मुझे यूनिक लगा, इसके लिए मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अ बीम हिन सपोर्टेड एट ए, एट ए द बीम इज हिन सपोर्टेड एंड रोलर सपोर्ट एट बी, तो एट पॉइंट बी इट इज रोलर सपोर्ट एच ओन बिलो, कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी। तो सपोर्ट रिएक्शन जो जनरेट होने वाली है ए और बी के ऊपर, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। सो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, तो जो सपोर्ट ए है वो प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि हिन सपोर्ट है, सो देर विल बी टू रिएक्शंस इन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, ए एक्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड ए वाई विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। 12 किलोन्यूटन फोर्स इज इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल एट 30 डिग्री, 9 किलोन्यूटन फोर्स एंड बी एट बी सपोर्ट जो है वो रोलर सपोर्ट है, तो ए की रिएक्शन होगा आर बी। नाउ वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो जब भी कोई इंक्लाइन फोर्स होता है दोस्तों, तो इसको रिजोल्व करने के लिए हमें उसका एंगल पता होना चाहिए विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल है मेरा, तो ये जो एंगल बनेगा वो ये, अगर ये 30 डिग्री है तो ये बन जाएगा मेरा 60 डिग्री, राइट। नाउ जैसा कि ये आर बी इंक्लाइंड है, तो इसके दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स बनेंगे, तो वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। एक ये बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा आर बी कॉस, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है 60 डिग्री, तो इसके लिए 60 डिग्री। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा आर बी साइन, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60, सो दैट्स व्हाई इट इज 60। तो यहाँ पर हमने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है और सारे रिएक्शंस को भी इंडिकेट कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे। सो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू जीरो, और इसके लिए मैं जो यूज़ करूँगा, पॉजिटिव मोमेंट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगी वो निगेटिव होगी। तो अबाउट पॉइंट ए, सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल 3 किलोन्यूटन जो है वो हम कंसिडर करेंगे। सो ये जो 3 किलोन्यूटन है अबाउट पॉइंट ए, एक क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर्म कर रहा है, सो पॉजिटिव होगा ये। सो 4 से 3 लीवर हम इसका, ये वर्टिकल डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए 3 मीटर, सो 3। नाउ ये जो 12 किलो न्यूटन है, इसका जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है 12 साइन 30, इट इज़ कॉजिंग एन क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, सो पॉजिटिव। 4 से हमारा 12 साइन 30 इंटू लीवर आर्म ये होगा ए टू ई, दैट इज 3 मीटर। सो नेक्स्ट 4 से ये 9 किलो न्यूटन, सो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है अबाउट पॉइंट ए, एक क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर्म कर रहा है, सो पॉजिटिव अगेन। 4 से 9 किलो न्यूटन लीवर आर्म है इसका 3 प्लस 3, 6 मीटर। नेक्स्ट आर बी साइन 60, नाउ ये जो आर बी साइन 60 है वो अबाउट पॉइंट ए, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर्म कर रहा है, राइट। सो माइनस आर बी साइन 60 इंटू जो इसका लीवर आर्म होगा वो अबाउट पॉइंट ए, वो होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल, सो 9 इज इक्वल टू 0। ये आर बी कॉस 60 जो है वो अबाउट पॉइंट ए कोई मोमेंट फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों कोलिनियर है, सो लीवर आर्म कोई जनरेट होगा ही नहीं, सो इसके लिए वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 3 इज नथिंग बट 9 प्लस 12 साइन 30 इंटू 3, सो ये 18 प्लस 9 इंटू 6 54 माइनस साइन 60 इंटू 9, 7.79 मतलब ऑलमोस्ट 7.8 टाइम्स आर बी, तो 9 प्लस 18 प्लस 54 81 माइनस 7.8 टाइम्स आर बी, सो 7.8 टाइम्स आर बी इज इक्वल टू 81, देयर फोर आर बी इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 7.8। तो आर बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट, तो आर बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी ऑलमोस्ट 10.38, सो 10.4 किलो न्यूटन।
नाउ जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें आर बी की वैल्यू मिल गई है जो कि ये इंक्लाइंड फोर्स है। नाउ अगर हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ये आर बी कॉस 60, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। दैट इज़ आर बी कॉस 60। सो आर बी की वैल्यू है हमारे पास 10.4 इंटू कॉस 60। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 10.4 इंटू कॉस 60, दैट इज़ 5.2 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट हम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे वो होगी समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए जो यूज़ करेंगे हम, अपवर्ड फोर्सेस विल बी पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी नेगेटिव। तो सबसे पहले ये वर्टिकल रिएक्शन एट ए, अपवर्ड है सो पॉजिटिव। नेक्स्ट 12 sin 30, ये डाउनवर्ड जा रहा है सो नेगेटिव, -12 sin 30। 9 किलो न्यूटन भी डाउनवर्ड है सो -9। नाउ ये आर बी साइन 60 इज गोइंग अपवर्ड सो पॉजिटिव, आर बी साइन 60 ए वाई माइनस, तो 12 sin 30 6 माइनस 9 प्लस आर बी की वैल्यू है हमारे पास 10.4 सो 10.4 sin 60। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ए वाई -6 -9 प्लस 10.4 sin 60, तो इट इज़ ऑलमोस्ट -6, सो -6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए वाई इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, और ए वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था ए वाई के लिए वो करेक्ट है, सो ए वाई विल बी एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने ए वाई कैलकुलेट कर लिया, आर बी कैलकुलेट कर लिया, दोनों ऑर्थोगोनल फोर्सेज भी कैलकुलेट कर लिए। अब बचा ए एक्स, तो ए एक्स के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए टूवर्ड्स राइट जो फोर्सेज जा रहे होंगे उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट जो जा रहे होंगे उन्हें निगेटिव कंसिडर करेंगे। सो फॉर ए एक्स विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट 12 cos 30, अगेन इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स राइट सो ये भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आर बी कॉस 60, सॉरी ये जो आर बी कॉस 60 है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है सो इसे हम निगेटिव कंसिडर करेंगे, माइनस आर बी कॉस 60 इज इक्वल टू 0। तो 12 cos 30 एज इट इज लिखेंगे, माइनस आर बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 10.4, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10.4 cos 60 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ए एक्स विल बी एज इट इज। नेक्स्ट 12 cos 30 -10.4 cos 60, तो इसका आंसर आता है 5.192। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक फोर्स हम लेना भूल गए हैं, तो जब हम फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ले रहे तो ये 3 kN रह गया हमसे, तो यहाँ पर मैं, यहाँ पर इसको टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, सो मैं यहाँ पर इसे 3 लिख देता हूँ, 3 प्लस। ओके सो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, सो 3 प्लस 12 cos 30 माइनस 10.4 cos 60, सो इट इज़ कमिंग 8.192 पॉजिटिव। तो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स इक्वल टू -8.192 किलो न्यूटन। तो जैसा कि यहाँ पर दोस्तों वैल्यू निगेटिव आ रही है, सो वैल्यू निगेटिव आने का मतलब क्या है, जो हमने ये डायरेक्शन कंसिडर किया हुआ है ए एक्स वो रॉन्ग है, सो एक्चुअली ए एक्स विल बी एक्ट इन दिस डायरेक्शन राइट, क्योंकि आंसर निगेटिव है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू 8.192 किलो न्यूटन, बट इसका जो डायरेक्शन हम लिखेंगे वो उल्टा होगा, मतलब ये डायरेक्शन में होगा। ओके सो दोस्तों, यहाँ पर हमने रिएक्शन एट ए, दोनों रिएक्शन ए वाई और ए एक्स कैलकुलेट कर लिया,
रिएक्शन एट बी दोनों ऑर्थोगोनल डिरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो कैलकुलेट कर लिए। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कैलकुलेट द रिएक्शंस एट ए एंड बी, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।